दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं बर्ड इंडस्ट्री में होने वाले स्कैम के ऊपर। दोस्तों बड़े ब्रीडर्स आपके साथ कैसे स्कैम करते हैं उस पर बात होगी। दोस्तों बर्ड इंडस्ट्री के अंदर भी काफी तरीके के स्कैम किए जाते हैं। दोस्तों वो कौन कौन से स्कैम होते हैं और उनसे बचने की क्या ट्रिक है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मैं बर्ड इंडस्ट्री का वो बदनाम एविकल्चरिस्ट हूं जिसको सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है एक्सपोज करना। मैंने हमेशा बड़े ब्रीडर्स को एक्सपोज किया है और अपने छोटे जो ब्रीडर्स हैं जो शौक में आ रहे हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं बर्ड में, उनको बचाया है। तो इस चक्कर में दोस्तों जो बड़े ब्रीडर्स हैं वो मुझसे खफा हो जाते हैं और मेरे खिलाफ नई नई मुहिम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वो नाम के ब्रीडर होते हैं लेकिन उनका काम होता है ट्रेडिंग करना। वो बाहर से खरीद कर आपको ट्रेड करके सेल करते हैं अपने यहाँ का बताकर। तो दोस्तों ये जो बड़े ब्रीडर्स होते हैं ये हमेशा काम खराब करते हैं आपका और आपको बहुत बड़े सपने दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप शौक में कोई दो चार पेयर रख रहे हैं अपने पास तो रख लें, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्पज से एविकल्चरिस्ट बनना चाहते हैं या बर्ड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो दोस्तों याद रखिए आपको कौन कौन से पेयर लगाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को दोस्तों बहुत लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले दोस्तों जो पेयर पहली बार मार्केट में आता है आपको उसी टाइम वो पेयर मार्केट से या किसी ब्रीडर से नहीं खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कि लास्ट ईयर पेल फेलो आया था तो लोगों ने पेल फेलो में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि पेल फेलो की एकदम मार्केट गिर गई, रेट डाउन हो गया। तो दोस्तों लोग बाग कमाना तो बहुत दूर की बात है, अपने पेयर के पैसे भी ठीक से नहीं निकाल पाए। दोस्तों खासतौर से मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो बड़े बड़े ब्रीडर्स के साथ ऐड होते हैं। दोस्तों सबसे बड़े स्कैम वहीं से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों वहां पर दिन रात आपके सामने फोटो शेयर करे जाते हैं और महंगे दाम में बर्ड बताए जाते हैं कि भाई ये बर्ड बहुत महंगे हैं, और फिर आपको ललचाया जाता है और वही चीज आपको सेल करी जाती है। क्योंकि दोस्तों वो ब्रीडर आपके कॉन्टेक्ट में रहता है और वो बार बार आपको पिन करता है, बार बार आपको मैसेज करता है और आपको बताता है कि भाई ये पेयर 50,000 का है, 60,000 का है और इसके जो बच्चे निकलेंगे वो भी इतने के सेल होंगे। और फिर आप 50,000-60,000 और 70,000 का पेयर लेने के लिए राजी हो जाते हैं और उससे खरीद भी लेते हैं। और फिर होता क्या है, जब एक साल गुजरता है तो दोस्तों उसी पेयर का प्राइस एकदम डाउन हो जाता है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि कौन से पेयर लगाए जाएं जिससे कि हम लोग स्कैम से भी बच सकें और हमारा जो पार्ट टाइम है, जो हम पार्ट टाइम को लेकर चलना चाहते हैं और वो हमारा पार्ट टाइम बना रहे, उससे हमारा शौक भी पूरा हो जाए और हम उससे कुछ पैसे भी कमा लें। दोस्तों कुछ पेयर की लिस्ट बताने वाला हूँ, वही पेयर आपको रखने हैं। इसके अलावा दूसरे पेयर पे अभी आपको नहीं जाना है। अगर आप दूसरे पेयर पे जाते हैं तो अगले साल आप नुकसान उठाएंगे, लेकिन जो पेयर मैं आपको बताने वाला हूँ वो पेयर अगर आप लगाते हैं तो आप बिल्कुल नुकसान नहीं उठाने वाले। दोस्तों मेरी जो लिस्ट में जो बर्ड शुमार हैं जो मैं चाहता हूं आप लोग लगाएं जिससे कि आपको आराम से उसका पैसा भी मिल जाए, आप उसको इजीली मार्केट में सेल भी कर लें और उसके कस्टमर भी आपको हमेशा मिलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों जो पेयर बहुत ज्यादा महंगा होता है, जिसका प्राइस दोस्तों 50,000 से ऊपर जा रहा होता है, 40,000 से ऊपर जा रहा होता है, दोस्तों उस पेयर को बेचने के लिए, सेल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों कॉमन बंदा जो नया स्टार्ट करने वाला है वो आपसे कभी भी परचेस नहीं करेगा। बहुत महंगा बर्ड आपसे वही इंसान परचेस कर सकता है जो इसका ब्रीडर हो, जिसको उसकी रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज जो नया स्टार्ट करने वाला है, जिसको हॉबी है, वो एकदम से 50,000 का 60,000 का जोड़ा आपसे नहीं खरीद सकता। इसलिए दोस्तों कमर्शियल बर्ड पे काम करना चाहिए। कमर्शियल बर्ड आसानी से सेल भी हो जाते हैं, उसकी डिमांड भी अच्छी होती है मार्केट में। दोस्तों कमर्शियल बर्ड में सबसे पहले आते हैं फिशरीज, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के फिशरीज होते हैं, पारब्लू फिशरी होते हैं, व्हाइट फेस में फिशरी होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये हमेशा सेल होने वाली चीजें हैं, क्योंकि इनका वर्क हमेशा रहेगा। दोस्तों फिशरी का वर्क हमेशा ऑफलाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रहता है। इसके बाद दोस्तों आप ऑफलाइन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन की डिमांड इस टाइम बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ रही है। हर फैंसियर को एक अच्छी क्वालिटी का ऑफलाइन चाहिए होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जैसे कि ऑफलाइन है, ये अच्छी क्वालिटी का ऑफलाइन है, इसका हुड एकदम क्लियर है और ये पारब्लू ऑफलाइन यूविंग है। दोस्तों आप यूविंग पे काम कर सकते हैं, ऑफलाइन पे काम कर सकते हैं, पारब्लू ऑफलाइन पे काम कर सकते हैं, वॉलेट पारब्लू ऑफलाइन पे काम कर सकते हैं, लुटिनो ऑफलाइन पे काम कर सकते हैं। दोस्तों सामने आपको नजर आ रहे हैं ये लुटिनो ऑफलाइन है। दोस्तों ऑफलाइन में जितनी भी वैरायटी आती है, जैसे कि वॉलेट ऑफलाइन हो गया, कोबाल्ट ऑफलाइन हो गया, ब्लू ऑफलाइन हो गया, ब्लू ऑफलाइन यूविंग हो गया, वॉलेट ऑफलाइन यूविंग हो गया, कोबाल्ट ऑफलाइन यूविंग हो गया, कोबाल्ट ऑफलाइन यूविंग पारब्लू हो गया, ब्लू ऑफलाइन पारब्लू हो गया, दोस्तों एक्वा ऑफलाइन पारब्लू हो गया। दोस्तों इस तरीके की वैरायटी बहुत ज्यादा मार्केट में बिकती है और बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ये बर्ड्स। दोस्तों ऑफलाइन में आप लुटिनो ऑफलाइन के साथ साथ डेक ऑफलाइन, स्प्लिट इनो पे भी वर्क कर सकते हैं। उससे भी दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी के लुटिनो ऑफलाइन निकल के आते हैं। ग्रीन ऑफलाइन, स्प्लिट इनो पे भी वर्क कर सकते हैं उसके साथ लगाने के लिए। दोस्तों ग्रीन ऑफलाइन अच्छी क्वालिटी का रख सकते हैं, ग्रीन ऑफलाइन, स्प्लिट पारब्लू, स्प्लिट ब्लू वगैरह रख सकते हैं आप। दोस्तों दूसरे रेडाई में भी आप काम कर सकते हैं, अल्बाइनो रेडाई में काम कर सकते हैं आप। दोस्तों इसके अलावा लुटिनो फिशर पे काम कर सकते हैं। दोस्तों क्रीमिनो पर काम कर सकते हैं आप, डेक इनो पे काम कर सकते हैं, डेक पारब्लू, स्प्लिट इनो पे काम कर सकते हैं।
दोस्तों जितने बर्ड मैंने आपको बताए हैं ये बर्ड आसानी से मिल जाएंगे आपको, आप किसी भी अच्छे ब्रीडर से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक स्कैम और होता है इसमें जो कि ब्रीडर लोग कर देते हैं, दोस्तों सादा बर्ड को स्प्लिट इनो बोल देते हैं, सादा बर्ड को स्प्लिट ब्लू बोल देते हैं, सादा फिशर को दोस्तों स्प्लिट ऑफलाइन बोलकर भी सील कर देते हैं बहुत सारे ब्रीडर। दोस्तों ये बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं और जब बंदा लेके जाता है अपने घर पे जब उसके ब्रीड आती है तो दोस्तों उसको इसका नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों स्प्लिट इसलिए बोल देते हैं ताकि उनको इसका रेट अच्छा मिल जाए, तो दोस्तों उससे आपको नुकसान मिलता है और उनको फायदा हो जाता है। दोस्तों कोशिश करें स्प्लिट बर्ड आप उन्हीं से लिया करें जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं, जिनका सेटअप आपने देखा हुआ है, उन्हीं से आप स्प्लिट बर्ड लें, अदरवाइज किसी भी रैंडम बंदे से स्प्लिट बर्ड लेने से बचें। क्योंकि दोस्तों स्प्लिट के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता है कि वो स्प्लिट है, बस आपको यकीन करना पड़ता है तब जाके आप बर्ड ले लेते हैं। और दोस्तों जो सही इंसान होगा जिसको अपनी आगे भी इज्जत बचा के रखनी है वो आपको कभी भी झूठ बोल के बर्ड नहीं देगा, अगर वो स्प्लिट है तो वो स्प्लिट बताएगा, अगर स्प्लिट नहीं है तो वो नॉर्मल बर्ड बोलेगा उसको। दोस्तों जो लिस्ट मैंने आपको बताई है अभी आप फिलहाल इन्हीं बर्ड पर काम कर सकते हैं और इसमें अभी अच्छा खासा स्कोप है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं खासतौर से डन फेलो, पेल फेलो, रेड फैक्टर, डाइल्यूट्स, क्योंकि दोस्तों इन सब बर्ड के अभी रेट अभी और डाउन होने हैं। अगर आप अभी ले लेते हैं 80,000 का, 70,000 का, 50,000 का पेयर, दोस्तों वो अगले साल 20,000 का रह जाएगा। ये भी हो सकता है वही बर्ड आपको 15,000 का और 12,000 का मिलना स्टार्ट हो जाए। और दोस्तों जो भी कमर्शियल बर्ड्स होते हैं इनकी जो वैल्यू रहती है वो एक टाइम पे आकर रुक जाती है, वो बिल्कुल नीचे नहीं जाते हैं, वो एक टाइम पे आकर रुक जाते हैं। जैसे दोस्तों ऑफलाइंस हैं और आपको अच्छी क्वालिटी का ऑफलाइन चाहिए तो 15,000 से 20,000 रुपए का आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का पेयर मिल जाएगा। दोस्तों रेड आई के प्राइस और नीचे नहीं जा सकते क्योंकि दोस्तों रेड आई एक ऐसा बर्ड है जिसको प्रोड्यूस कराना काफी मुश्किल पड़ जाता है ब्रीडर के लिए, क्योंकि इसकी जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनका दोस्तों डेड इन शेल बहुत ज्यादा होता है रेड आई का। दोस्तों रेड आई चिक्स प्रोड्यूस तो करा लेता है कोई भी, लेकिन उनको सरवाइव कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं। वो दोस्तों सारे ट्रिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और माशाल्लाह इस साल भी मैंने मोर देन 100 चिक्स रेड आई के सेव करे हैं, बचाए हैं, उनमें दोस्तों आधे सेल भी करे हैं और आधे रोके भी हैं। तो दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़े ब्रीडर की बातों में आके बहुत महंगे बर्ड नहीं खरीदने हैं, उससे आपको आगे चल के बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि दोस्तों आप सोचेंगे कि भाई आपने तो पेयर खरीदा 80,000 का, 70,000 का और मार्केट में उसके बच्चे बिक रहे हैं 15,000 रुपये पेयर, तो दोस्तों आप ऐसी टेंशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों इससे अच्छा है डायरेक्ट 15-20,000 वाले पेयर से स्टार्ट करें। अगर उसका प्राइस गिरेगा तो कितना गिरेगा दोस्तों, उसका प्राइस 5,000-6,000 तो आने का नहीं है, 15-20,000 वाले पेयर का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा गिर के 12,000 पहुँच जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों जो 80,000 का, 70,000 का और 50,000 का पेयर जो बड़े ब्रीडर अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको सेल कर देते हैं, आप पे थोप देते हैं, वही पेयर दोस्तों 80,000 वाला, 70,000 वाला आपको 15,000 रुपये में सेल करना पड़ जाता है और आप बहुत बड़े लॉस में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 पेयर भी लगा लिए 80,000 के तो दोस्तों 4,00,000 रुपये के पेयर हो गए, लेकिन दोस्तों आप 4,00,000 रुपये के उसके बच्चे नहीं सेल कर पाएंगे पूरे अगले 2 साल भी। तो फायदा यही है दोस्तों कमर्शियल बर्ड पे काम करें, कमर्शियल बर्ड्स की प्रोडक्शन भी माशाल्लाह अच्छी होती है और कमर्शियल बर्ड आसानी से सेल भी हो जाता है। आराम से 10,000-12,000 रुपये का पेयर अगर आप सेल करते हैं, 10-12,000 रुपये वाले पेयर अगर आप अपने घर पे लगाते हैं, उसके दोस्तों एक आध बर्ड ज़ाया भी हो जाए तो आपको 5,000 का लॉस होगा एक बर्ड ज़ाया होने में। और खुदा न खास्ता अगर 80,000 वाले पेयर का अगर एक बर्ड मर जाए, वही दोस्तों अगर 60,000 से 70,000 या 80,000 रुपये वाले पेयर का एक बर्ड भी अगर मर जाए तो सीधे सीधे आपको 30,000 से 40,000 रुपये की सिंगल चोट लगेगी। दोस्तों ये वो चोटें हैं जो मैं खा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने ये चोटें नहीं खाई होती ये 80,000 से 70,000 रुपये का एक सिंगल बर्ड मरने की या उड़ने की, तो दोस्तों ये लॉस आपको मैं नहीं बता पाता। तो दोस्तों इस लॉस से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप कमर्शियल बर्ड पर काम करें, क्योंकि दोस्तों बर्ड का मरना एक आम बात है, ऐसा नहीं है कि किसी बड़े ब्रीडर के पास बर्ड है वो मरेगा नहीं। दोस्तों कभी भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बर्ड में अचानक आ सकती है। दोस्तों बड़े ब्रीडर जो धोखेबाज ब्रीडर होते हैं वो आपको फायदे तो बता देंगे लेकिन नुकसान नहीं बताएंगे कि भाई ये नुकसान भी होता है इसमें। लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगा दोस्तों, लव बर्ड जो होता है स्ट्रांग बर्ड होता है, एकदम इस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन कभी जब असर पड़ना होता है तो ऐसा असर पड़ता है कि आपको यही नहीं लगेगा कि भाई ये तो अभी बिल्कुल ठीक था, अभी ये एक्सपायर कैसे हो गया। दोस्तों अगर आपको बर्ड की नॉलेज कम है, अगर आपको बर्ड के प्राइस की नॉलेज कम है, तो दोस्तों कभी भी बर्ड परचेज करने से पहले आप मुझसे ज़रूर पूछ लें। दोस्तों मेरा नंबर है 7037809427। दोस्तों जो बर्ड की एक्चुअल प्राइस है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कहीं पर भी। दोस्तों बर्ड की जो प्राइस होती है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग होती है। अगर दोस्तों आप कहीं से भी बर्ड परचेज कर रहे हैं, अगर आप मुझे एक बार उसका फोटो दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं और उसके एक्चुअल प्राइस पूछ सकते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आप बड़े स्कैम से बच सकें। दोस्तों खुद को बहुत बड़ा ब्रीडर बोलने वाले ट्रेडर लोगों से बचें, अच्छा बर्ड रखें, कॉमर्शियल बर्ड रखें, स्ट्रांग बर्ड रखें और उस पर काम करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।